नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? नोटबुक सारी अपडेट हो गई ना? वो असेसमेंट ओवर हो गया, अभी हम लोग एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी तो करेंगे ना, तो नोटबुक तो अच्छे से कंप्लीट करनी है। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ तो, आज़ादी किसको बोलते हैं? आज़ादी मतलब फ्रीडम। आपको पता है इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे जो देशभक्त थे उन्होंने कितना बलिदान दिया? बापू, जो दिन को हम लोग महात्मा गांधी जी कहते हैं ना, उन्होंने और उनके साथियों ने बहुत संघर्ष किया हमको आज़ादी दिलाने में। तो आज का बच्चों टॉपिक क्या है? आज़ादी की मिठाई। ये बेटा पाठ है लेकिन पत्र के द्वारा समझाया गया है कि आज़ादी की मिठाई को क्या क्यों बोला जाता है। ये मिठाई एक अलग ही इसमें मिठास है, क्योंकि आज़ादी हमें बड़े संघर्ष से मिली है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। तो आइए बच्चों जाने के इस पाठ को आज़ादी की मिठाई का क्यों नाम दिया गया है। Are you set, my dear students? Okay. आजादी की मिठाई, पत्र 16 अगस्त 2017। प्रिय जॉन, जब से तुम अपने मम्मी पापा के साथ फ्रांस में जाकर बसे हो, तब से हमारे साथ जब भी कुछ नया होता है, हम दोनों उसे एक दूसरे को पत्र लिखकर बताते हैं। कल मुझे भी कुछ नई सीख मिली जो मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। कल 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस था और हमें तिरंगा झंडा लाने के लिए विद्यालय में कहा गया, जो मैं अपने हाथों से बनाकर ले गया। हमारे विद्यालय में झंडा फहराया गया। बच्चों बताइए हमारे राष्ट्र त्यौहार कौन से हैं? 15 अगस्त और 26 जनवरी। आपने कई बार अपने स्कूल में ये त्यौहार मनाए होंगे। उस दिन क्या होता है? झंडा लहराते हैं, जिस तरह आपके प्रिंसिपल लहराते हैं ना झंडा, और आप गाना भी गाते हो, उसी तरह दिल्ली में भी झंडा फहराया जाता है, ध्वज फहराया जाता है। पर किससे? हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री से, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तथा राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया। उसके बाद मिठाइयां बांटी गईं। मैं विद्यालय से घर आया और माँ को बताया कि आज मेरे विद्यालय में खाने के लिए मिठाई मिली, जिसका स्वाद मैंने मजे से चखा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा वह कोई साधारण मिठाई नहीं बल्कि आजादी की मिठाई थी, जो एक अलग ही मिठास छिपाए रहती है। जिस तरह तुम भी आजादी की मिठाई का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, वैसे ही मैं भी नहीं समझ पाया था। फिर माँ ने बताया कि हमारा देश सैकड़ों साल पहले बहुत अमीर था, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। सारी दुनिया के लोग हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते थे। ऐसे ही एक कंपनी इंग्लैंड से हमारे देश में आई। वह भारत आई तो थी काम करने, पर धीरे धीरे धोखा देते हुए उस कंपनी के लोगों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया और इस तरह हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने उन अंग्रेजी लोगों को हमारे देश से भगाने की जंग शुरू की, लेकिन ये जंग किसी को चोट ना पहुंचाते हुए अहिंसा के मार्ग पर चलकर सिर्फ अंग्रेजों से अपने देश की आजादी चाहती थी। आपको पता है बेटा, हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ, एक ब्रिटिशर कंपनी ने यहाँ पर आकर कब्जा कर लिया और वो हमको गुलाम बना के रखा। फिर कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ हमको क्या मिली? आज़ादी। इस जंग में महात्मा गांधी तथा उनके साथियों का संघर्ष रंग लाया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी से आजाद हुआ। तभी से हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किले पर झंडा फहराते हैं और यहाँ कई रंगारंग कार्यक्रमों के साथ जुलूस भी निकाला जाता है। मैंने जो विद्यालय में मिठाई खाई, उसका मुझे असली मतलब अब समझ में आया कि वो मिठाई आजादी की मिठाई थी, जिसके स्वाद में एक अलग ही मिठास थी, जो हम लोगों में देश प्रेम की भावना जगाती है। अब तुम भी आजादी की मिठाई का असली मतलब समझ गए होगे। मैंने तो तुम्हें अपने देश की आजादी की कहानी बता दी। अब तुम पत्र के जवाब में फ्रांस से जुड़ी कोई कहानी मेरे साथ जरूर बांटना।
तुम्हारा दोस्त रॉबिन। जैसे कि बेटा आपने इस वीडियो में देखा कि कितने बड़े संघर्ष के बाद हमको आज़ादी मिली, वो तारीख थी 15 अगस्त 1947। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, गुलामी से आज़ाद हुआ। तभी से हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किले पर झंडा फहराते हैं और यहाँ पर कई रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं। तो इसलिए रॉबिन ने क्या बताया, हमारे स्कूल में हमारे विद्यालय में मिठाई बांटी गई थी। ये मिठाई थी आज़ादी की खुशी में, क्योंकि इसका तो एक अलग ही मज़ा है ना, क्योंकि बड़े संघर्ष के बाद हमको आज़ादी मिली। और उसको मुझे असली मतलब पता चला, उसका असली मतलब उसको पता चला कि ये मिठाई कोई साधारण नहीं है बल्कि आज़ादी की मिठाई है। इसमें एक देश प्रेम की एक अलग ही भावना जागृत होती है। ठीक है बच्चों, और आप इस पाठ से क्या सीखे कि राष्ट्र त्यौहार प्रेम और भाईचारे की सीख देते हैं। बोलते हैं ना, हर त्यौहार हमको अच्छे से भाईचारे और बड़े प्रेम से मनाना चाहिए। तो ये आज़ादी का त्यौहार हम में क्या लाता है, भाईचारे और प्रेम। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग वर्कशीट पाठ पर। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जाते हैं शब्द अर्थ की ओर, मतलब अर्थ का। आप बोलते हो ना, इसका मतलब क्या हुआ, तो उसका मीनिंग है अर्थ। धोखा मतलब कि छल, विश्वासघात। संघर्ष लड़ाई टकराव। मार्ग रास्ता। आज़ादी स्वतंत्रता। कब्जा अधिकार। गुलामी गुलाम होना। अमीर धनी। जंग लड़ाई। मिठास यानी कि मीठापन, ये मिठाई में बहुत मिठास है, मीठापन है। आप बोलते हो ना, इसमें बहुत मिठास है, तो उसका अर्थ होगा मीठापन। ओके, अब हम लोग चलते हैं अभ्यास की ओर। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न उत्तर दीजिए यानी कि इसका आपको उत्तर देना है। हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? हमारा देश सैकड़ों साल पहले बहुत अमीर था, इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? ओके, चुनिए और भरिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आज़ादी, तो आज़ादी बेटा क्या होगा, भाव। जहाँ पे आप अपने एक्सप्रेशन बताते हो ना, उसको हम लोग अपने भाव बोलते हैं ना, रोना हंसना, उसको हम लोग बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। लाल किला, पर्सनल मेरा, उसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक। विद्यालय जातिवाचक, मतलब जो सबके लिए है, कॉमन है। तो ये था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। रॉबिन व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्सनल हो गया ना। शाबाश मिठास, आपका भाव कैसा है, मीठापन मिठास वाला, तो हो गया आपने अपने भाव बताए। देश, तो क्या होगा बेटा, पूरा देश पूरा विश्व यानी कि आम लोगों के लिए, तो होगा जातिवाचक। जॉन मतलब आपका पर्सनल नेम, हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। मिठाई, पुनः प्रयास करें, मिठाई होगा आपका जातिवाचक, क्योंकि मिठाई यानी कि सबके लिए आएगी ना, घर में मिठाई सबके लिए आती है ना। बचपन, आपके भाव बता रहा है आपका बचपन, तो क्या होगा ये, ओ आपने 90% स्कोर किया, वेरी नाइस बेटा। बचपन यानी कि आपने अपने भाव बताए,
तो होगा ये भाववाचक संज्ञा। आपको समझ में आया किस तरह से करना है? ठीक है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप बुक में भी करेंगे और नोटबुक में भी, पेज नंबर 93 पर। ओके बेटा, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप अंजलि मैम को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हंसते मुस्कुराते हुए नमस्कार बच्चों।